नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष जैसी रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बिहार का फेमस जो पूजा होता है ना, छठ पूजा, तो उसी के लिए हम ठेकुआ बना रहे हैं। तो देखिए, ठेकुआ बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो ये देखिए, हमने लिए है नारियल का बुरादा, और इसके जगह पर आप सूखा नारियल को भी काट कर डाल सकते हैं। और लिए है हरी इलायची, और ये हमने लिए है सौंफ। तो ठेकुआ बनाने के लिए हमने सबसे मेन चीज लिए है एक कटोरी गेहूं का आटा, इसको हम डाल देंगे। और एक कटोरी हमने लिए है मैदा। तो हमने यहाँ पर आटा और मैदा दोनों आधा आधा लिए हैं, और आप चाहे तो सिर्फ गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे शुद्ध देसी घी 1/4 कटोरी। अब हम आटे और मैदे में घी को अच्छी तरह से मसलते हुए मिक्स कर लेंगे। देखिए, सारी चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, और ये इस तरह से लड्डू जैसे बनने लगा है। इसका मतलब इसमें मोयन बराबर है। और अब हमने उसी कटोरी से, आधी कटोरी से थोड़ा सा कम हमने शक्कर लिए हैं, और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, और शक्कर को इसी में हम थोड़ा थोड़ा पिघला लेते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे नारियल का बुरादा, थोड़े से सौंफ। सौंफ का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है ठेकुआ में, आप जरूर से डाल लीजिएगा। 4 इलायची लिए हैं हरी इलायची, तो इसको हम कूट लेते हैं। तो अगर आपके पास और भी कोई ड्राई फ्रूट्स हो तो आप डाल सकते हैं। इलायची को हमने कूट लिए हैं, तो इसको भी हम डाल देंगे। अब हम इन सारे चीजों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब ये जो शक्कर का पानी है, इसको हम आटे में डालकर मिलाते जाएंगे। तो इसमें बहुत ज्यादा पानी मत डालिएगा दोस्तों, इसमें बहुत ज्यादा पानी नहीं डलता है, थोड़ा थोड़ा ही डालकर इसको सिर्फ जोड़ना है। शक्कर के पानी डालकर हमने मिला दिए हैं, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सिर्फ पानी का छींटा मारेंगे और इसको जोड़ते जाएंगे। तो बस आटे को बस इकट्ठा कर करके इसको साइड में रखते जाएंगे। देखिए, आटे को हमने गूंथ कर तैयार कर लिए हैं। ये देखिए, इस तरह का आटा हमारा होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा मिश्रण को लेंगे और इसको हाथों से गोल गोल बना लेंगे। और हमारे पास तो ठेकुआ बनाने का सांचा नहीं है, तो हम आज आपको इस टोकरी से बनाकर दिखाएंगे। तो लोई को हम इस तरह से रखेंगे पेड़े को, और इस तरह से दबा देंगे। तो देखिए, एक ठेकुआ हमारा बनकर तैयार है। तो इसी तरीके से हम बाकी के भी बना लेते हैं। तो आइए दोस्तों, रोज की तरह चूल्हा तो जलाना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, हमारा चूल्हा भी जल गया है, और ये हमारा आखिरी का जो ठेकुआ बचा है, इसको भी हम गढ़ लेते हैं। अब हम चूल्हे पर रख देते हैं कढ़ाई, और अब हम इसमें डालेंगे रिफाइंड तेल ठेकुआ को छानने के लिए। अब हम तेल को मध्यम गरम होने देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा गरम तेल में ठेकुआ नहीं छानते हैं। तेल हमारा मध्यम गरम हो गया है, तो अब हम एक एक करके ठेकुआ को डालेंगे। अब हम आंच को थोड़ा सा कम कर देते हैं, और इसको धीमी आंच पर थोड़ी देर एक तरफ से सिकने देंगे।
ठेकुआ एक तरफ से सीख गए हैं तो अब हम इसको पलट देंगे। आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ठेकुआ हमारा कैसा फटा फटा सा है, तो इसका मतलब है कि ठेकुआ जो है हमारी एकदम खस्ता बनी। ठेकुआ को हमने दोनों तरफ से अच्छे तरह से सेक लिए हैं, तब हम इसको निकाल लेते हैं। और इसी तरीके से हम बाकी के भी ठेकुआ को छान लेंगे। अब हमारे दोबारा के भी ठेकुआ अच्छे से छन गए हैं, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। और ये लीजिए दोस्तों, हमारे खस्ता ठेकुआ बनकर तैयार है। हमारी आज की रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। जय छठी मैया।